It's an important day for Ayodhya's Ram Mandir today as Maharashtra government is going to send the first batch of Chandrapur's world renowned Sagwan or

अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण में हमारा भी एक छोटा सा हिस्सा क्यों ना हो ये कास्ट भेजकर हम दे रहे हैं 6 दिसंबर उन्नीस में मैं भी एक कार सेवक था मुझे याद है 6 बजे कार सेवा के लिए उस गुम्बद के पास हम सबको एकत्रित किया गया था बैठ को चार बजे हम उठे थे बारह बज के मिनट पे हमारे कुछ कार सेवक गुम्बद पे चढ़े और पहला गुम्बद एक बज के पचपन मिनट पे ये नेस्तनाबुद कर दिया गया था पंद्रह से जब मीर बाकी के ये ध्यान में आया कि तगवार के आधार पे, जबरदस्ती धर्मांतरण के आधार पे, अत्याचार के आधार पे, दुष्ट बुद्धि के आधार पे, अनाचार के आधार पे यहाँ के लोगों को हम जीत नहीं सकते क्योंकि ये लोगों के रोम रोम में राम है इनके आत्मा की आस्था में राम है और इसीलिए अयोध्या का मंदिर जहाँ पे जन्मस्थली है इसको नष्ट करने से ही ये ऊर्जा केंद्र समाप्त हो जाएगा ये गगतफहमी में मीर बाकी ने वहाँ पे एक विवादित ढांचा निर्माण किया और जो जन्मस्थली हमें ऊर्जा देती थी जहाँ दर्शन के लिए भक्ति भाव से जो राम भक्त जाते थे उनमें एक ऊर्जा मिलती थी एक शक्ति मिलती थी वो नष्ट करने की कोशिश की विश्व गौरव देश गौरव गरीबों की मसीहा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद वो तो एक संकल्प पे चलते हैं ऐसा नेता जो अर्जुन की तरह एक लक्ष्य तय करता है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरी शक्ति लगा देता है ऊर्जा लगा देता है हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को तो लगता है कि हमारी भी आयुष्य हमारी उम्र उनको लग जाए तो उनके नेतृत्व में माननीय अमित भाई के सहकार्य से जब मंदिर बनना शुरू हुआ तो हमें भी खुशी हुई महाराणा प्रताप जी के भूमि से राजस्थान से पत्थर मंगाए गए छत्रपति शिवाजी महाराज मां जीजाऊ ने सत्य असत्य धर्म अधर्म के युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज को रामायण की कथाएं बताई महाभारत की कथाएं बताई बताई वही छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से आज हम कास्ट भेज रहे पत्थर महाराणा प्रताप के है लकड़ियां छत्रपति जी की भूमि से हैं मां सीता के महके से प्रभु राम के ससुराल से मूर्ति के लिए शिला लाई गई हमारा भी एक रिश्ता है प्रभु राम के पिता भगवान दशरथ उनकी मां राजा अच की पत्नी इंदुमती है ये, ये तो दादी की भेंट है प्रभु राम को कह रहे हैं दादी की भेंट है आज काफी बड़ा प्रोग्राम होने वाला है आज शाम को इसमें काफी बड़े तरीके से काफी डिग्नेट्रीज भी शामिल होने वाले हैं कौन कौन आने वाले हैं और क्या प्रोग्राम है? देखो माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आने वाले है वो भी कार सेवक थे आचार्य गोविंद गिरी महाराज जो Uh, कोषाध्यक्ष है इस ट्रस्ट के वो भी आने वाले हैं हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर उत्तर प्रदेश आगरा से है वो आने वाले है रविंद्र जायसवाल जी जो बनारस से है मंत्री है वो आने वाले है माननीय अरुण सक्सेना जी जो वन और पर्यावरण मंत्री है वो आने वाले है कैगास खेर जो राम भजन गाएंगे हम भक्ति रस में सभी लोग हर्ष से उद्घासित होने वाले हैं कैलास खेर जी ने समय दिया रामानंद सागर के रामायण में प्रभु राम की भूमिका जिन अरुण गोविंद जी ने की माँ सीता की भूमिका दीपिका चिखरिया जी ने की जो पूर्व सांसद थी और बंधु लक्ष्मण की भूमिका सुनील लाहिर जी ने की वो भी आने वाले हैं आसपास के विधानसभा सदस्य लोकसभा सदस्य पूर्व लोकसभा सदस्य पूर्व राज्यसभा सदस्य ऐसे कई राजनीतिक पार्टियों के ये सभी उपस्थित होने वाले है और ये कार्यक्रम में विशेष रूप से हमने सांस्कृतिक विभाग को कहा कि जितने हमारे महाराष्ट्र की लोक कलावंत है वो लोक कला सादर करे तो उन्नीस कई प्रकार की लोक कगाए जो दुर्मिल्व भी है ये लोक कगाए वहां सादर होने वाली शोभा यात्रा में आ, लोग भक्ति भाव से इसका भी आनंद ले सके और इस समय जो कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी के परेड में हमारा जो चित्ररथ था हमको तो बहुत कम समय मिला मगर हमको भारत में दूसरा क्रमांक मिला उत्तराखंड फर्स्ट नंबर पे था देवभूमि से वो थे और हमारा दूसरा क्रमांक था तो वो चित्ररथ जो है साढ़े तीन शक्तिपीठ का तो इस समय इस हमारे काम को इस हमारे पवित्र कार्य को आशीर्वाद देने के लिए साढ़े तीन शक्तिपीठ के हमारे कोलगापुर से माँ लक्ष्मी माँ अम्बा हमारी माँ भवानी तुर्जापुर से माँ सप्त नासिक से और माँ रेणुका हमारे माहूर से ये चित्ररथ भी आएगा अयोध्या से भी हमने उनका चित्ररथ जो अयोध्या मंदिर का है वो भी मंगाया है वो भी आ रहा है और जो लोक कलाएं है वो तो बहुत दुर्मी है कुछ कुछ तो लोक का गाय सहजता से देखने नहीं मिलती तो महाराष्ट्र का वर्णन चांदा से बांदा तक किया जाता है तो अभी बांदा से चांदा तक के लोक का की की हमने कोशिश की कि बड़ा पवित्र भाव से आस्था के साथ ये जी, जी काफी बड़ा इवेंट होगा पूजा अर्चा के बाद ये लकड़ी भेजी जाएगी आज आप ये इवेंट यहाँ महाराष्ट्र में कर रहे हैं कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री खुद अयोध्या जाने वाले हैं तो ये जो पूरा फोकस है नई महाराष्ट्र सरकार का अयोध्या की तरफ राम मंदिर की तरफ इसके बारे में आपको क्या कहना है क्योंकि राजनीतिक तौर पे काफी क्रिटिसिज्म भी होता है ये कहके कि राम मंदिर के लिए प्रोत्साहन तो हमने दिया था या फिर हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा था और अब देखो कोई और ही क्रेडिट लेना चाहता है नहीं यहाँ क्रेडिट की कोई बात नहीं जो आएगा वो राम का आशीर्वाद पाएगा यहाँ ऐसी भावना से तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ क्रेडिट की क्या बात है कार सेवक के रूप में मैं भी गया हजारों लोग गए अब भगवान राम ने हमारा चयन किया कि कास्ट भेजते समय मैं वन मंत्री रहूंगा अब सरकार तो उनकी थी तब भगवान राम ने कोई उनके कास्ट का चयन नहीं किया तब शायद पहले के वन मंत्री को यह सौभाग्य मिलता तो मुझे लगता है देखो ये तो भगवान की इच्छा होती है और ट्रस्ट ने चंद्रपुर की ही लकड़ी का चयन किया जो हमारे दंडकारण्य से है तो गढ़चरोगी चंद्रपुर की ये दंडकारण्य की जो लकड़ी है उसका चयन किया गया है तो मुझे लगता है कि हमने किया तुमने किया ये भाव तो कभी हो नहीं सकता और सबके लिए खुदा है अयोध्या के राम मंदिर का दरवाजा दरवाजा तो चंद्रपुर से है तो सबके लिए खुदा है जो आएगा वो आशीर्वाद पाएगा तो ये लॉट्स कितने महीने तक भेजते रहेगा महाराष्ट्र अयोध्या ये एक महीने यानी मई के फर्स्ट वीक तक भेजने का है और मैंने सीएम साहब से अपील भी की विनंती भी की है कि अभी तो हम भेजने का काम शुरू कर रहे हैं और सीएम साहब को मैं खुद भी मिलकर ये निश्चित रूप से अपील करूंगा कि आखिरी जो गाट है वो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट करें और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने आखिरी जो गाट रहेगा वो सौंपना चाहिए और हमारे एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम या जानता राजा ऐसा कुछ कार्यक्रम वहाँ बड़ा होना चाहिए so, Culturally as well as <coughs> social, religious aspects as well from Maharashtra today, as you heard Maharashtra Minister Sudhir Mungantivar speak exclusively to CNN News18.